लखीमपुर खीरी केस में अखिलेश यादव का आया बयान, कहा जो नारी का अपमान करते हैं देश उन्हें माफ नहीं करता। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डीडीएमए की बैठक, बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, यूपी में 24 घंटे में 90 नए केस किए गए दर्ज, 24 घंटे में यूपी में 13 मरीजों की मौत। अयोध्या की सरयू नदी में 12 लोगों के डूबने का मामला, एक बच्ची दो महिला समेत 5 लोगों की मौत, 3 लोगों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। 11 जुलाई को सपा का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने प्रदर्शन का किया ऐलान, पंचायत चुनाव धांधली के विरोध में होगा प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर हिंसा हुई, 75 जिलों में ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश करने, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की कई हिंसक घटनाएं सामने आई। हर जगह बस पुलिस मूक दर्शक बनी रही, एक आध जगह पर पुलिस ने हिम्मत दिखाकर जमीन पर लाठी तो पटकी लेकिन उनकी आवाज शायद उपद्रवियों के बम और बंदूक की आवाज तले ही दब गई। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हमको गुंडों की पार्टी बोलती थी लेकिन आज सच सबके सामने है, इसको लेकर शशांक यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। कल की घटना का तो लगभग सभी को विवरण जानकारी है आप लोगों को। आज अखिलेश जी के ने बुलवाया था, इसलिए बुलवाया था कि समाजवादी पार्टी की ये हमारी महिला प्रत्याशी के साथ जिसमें जो घटना हुई है और ये काफी शर्मनाक रही, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी रूप में पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी हुई है, और एक तरीके से एक गार्जियन के रूप में जैसे होता है कि दोनों बहनें हैं मेरे और इनको आगे की भी जो मदद हो सकती है वो मदद करेंगे। पूरी ईमानदारी से उस महिला के साथ है, उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं, पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, अखिलेश अवैसी कल आया, उन्होंने बोला एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, ए टू जेड फैक्टर चलेगा, कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। सर, आप आधी अधूरी बात मत करिए, आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर पीजीआई के डायरेक्टर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के स्वास्थ्य में पहले से सुधार हो रहा है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनिए जरा। लगभग आज जो है छठा दिन है उनके एडमिट होने का, जब वो आए थे तो उस समय वो बोल भी नहीं पा रहे थे, आंखें भी नहीं खोल रहे थे, यानी कहना चाहिए एक तरह से बेहोशी से की हालत में थे, जो उनका सेंसोरियम था बड़ा डाउन था, उनका जो ब्लड शुगर था वो भी फ्लक्चुएट कर रहा था और ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन दो दिन के बाद में जब हमने उनका इलाज किया, क्योंकि हमको लगा उनको खासकर इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया, तो उसके बाद में उनकी कंडीशन में सुधार होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने आंखें भी खोलने लगे, हमसे फिर रिस्पॉन्ड भी करने लगे। कल की स्थिति ये थी जब हमारे माननीय श्री जेपी नड्डा जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पे थे कल देखने के लिए, तो उस समय उन्होंने इंटरेक्ट किया था, नड्डा जी से इंटरेक्ट किया था, और जब उन्होंने नड्डा जी ने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी आपका हालचाल पूछ रहे हैं और आपकी शुभकामनाएं को दे रहे हैं, तो उनका जवाब था कल्याण सिंह जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, कि आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल उन्होंने पानी वगैरह भी पिया था, आज की जो स्थिति है मैंने खुद 9 बजे उनको देखा था, कल से भी बेहतर है, तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर जाए। वहीं कानून के बिगड़ती हालात के खिलाफ ताजनगरी आगरा में एक महिला खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी चंचल यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें महिला खिलाड़ी ने गांव के ही दबंगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने की बात कही थी। बता दें कि वायरल वीडियो में महिला खिलाड़ी ने अपने द्वारा जीत में मिले सभी मेडल्स को भी बेचने की गुहार लगाते हुए पुलिस को पैसे देने की बात कही थी। मेरा नाम चंचल यादव है, मैं बाईपुर सिकंदरा आगरा की रहने वाली हूँ।
और मैं टैक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, जो मतलब छेड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं। तो और उन लोगों ने पता मैं मेरा घर भी कब्जा घर को भी तोड़ने की कोशिश की है, मेरा खेत भी कब्जा लिया है। और उनमें एक आनंद यादव है, एक रिटायर्ड कर्नल है अश्विनी यादव, और शांत कुमार है। और अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट कराने जाती हूँ तो वो पहले बोलते हैं कि हमें पैसे दो तभी जाएंगे, बिना रिश्वत के कोई आगे नहीं बढ़ता। एक बार तो मैंने पैसे देकर उनको लेकर भी आई थी, तो उन्होंने फिर यहाँ पर आकर देखकर चले गए और बोले और पैसे दो तब कुछ करेंगे। वो कुछ भी नहीं करते हैं, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है। मैं थाना सिकंदरा जाती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पुलिस को देकर ये कर पाऊँ। मैं अपने ये मेडल बेचना चाहती हूँ। अगर इन मेडलों को कोई खरीदना चाहे तो फिर जितने पैसे लगाओ उतने लगा लेना, और इन मेडलों को ख़रीदो तो मुझे पैसे दे दो ख़रीद के, बेचकर मैं इनको बेचकर पुलिस को पैसे दूंगी, जिसके कारण मेरा वो काम कर सके, मेरा घर ना तोड़े वो लोग जिनसे मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, मुझे गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। बस प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। थाना सिकंदरा के बाएपुर गांव के एक ताई कमांडो खिलाड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ताई कमांडो खिलाड़ी ने कहा था कि उसके साथ में छेड़छाड़ की घटना की गई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। कार्रवाई के लिए वह लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में उसका आरोप था कि पुलिस उससे पैसे की मांग कर रही है, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पुलिस को रिश्वत देने के लिए वह अपने मेडलों को बेच रही थी। जब इस वीडियो के आधार पर जब ताई कमांडो खिलाड़ी से संपर्क किया गया और उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने सच्चाई बताई और उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, दबंग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दबंगों द्वारा यहाँ से निकाल जाने की प्रयास किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर मैंने मुख्यमंत्री, महिला कल्याण विभाग, DGP, SSP, आगरा पुलिस को मैंने ट्वीट किया, जिस पर ट्विटर पर मुझे जवाब दिया गया कि CO हरिपर्वत को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। ताई कमांडो खिलाड़ी द्वारा इसमें बताया गया कि CO हरिपर्वत ने उनसे संपर्क भी किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद में थाना पुलिस उनके पास में पहुंची, उनसे तहरीर लिखवाई और उनको आश्वासन दिया है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। हालांकि पुलिस ने ये भी जानकारी में दिया है, उनसे पूरी तरह से बताया, आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको मेडल बेचने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस पूरी तरह से जो बता। वहीं सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बबीता चौधरी के नामांकन का पर्चा निरस्त कर दिया गया। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद में BJP प्रत्याशियों की बम्पर जीत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन हो चुका है और 10 जुलाई को मतदान किया जाएगा। वहीं सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बबीता चौधरी के नामांकन का पर्चा निरस्त किए जाने के बाद सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन के नेतृत्व में सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। बदाख प्रमुखी के चुनाव में जिस तरीके से जो है विपक्ष के लोगों के पर्चे खारिज करने का काम हुआ है, उसके विरोध में जो है हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और हम कल से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। DM साहब जो है वो सुनने का काम नहीं कर रहे, ना मिल रहे, ना किसी का फ़ोन रिसीव कर रहे और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कहना यह है जो पर्चे कैंसिल करे वो सरासर गलत करे। अगर हमारे प्रत्याशी के पर्चे में कोई कमी थी तो जो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है उसके पर्चे में भी कमी थी। जो उन्होंने बहाना किया है कि फोटो अटेस्टेड नहीं है उसके अनुमोदक प्रस्ताव द्वारा, तो आपने अभी देखा होगा पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव में कुछ सदस्य जो आजमगढ़ जिले के वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें विद्यालय को अविलंब खोलने की चर्चा की गई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति हमारे प्रदेश में सामान्य हो गई है, सरकार द्वारा समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया गया है, ऐसे में विद्यालयों को खोलना आवश्यक है। जहाँ एक तरफ विद्यालय प्रबंधन आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के नए खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने उत्तर प्रदेश के लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित 2 नए मरीज सामने आ चुके हैं और इसमें से एक की मौत भी हो चुकी है, दूसरा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो चुका है।
फिलहाल इन दोनों के संपर्क में आए लोगों के समेत करीब 100 से ज्यादा लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग में नया वेरिएंट नहीं मिला। इसी को लेकर पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान ने बताया कि ये जो तीसरी लहर है इसको आने में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेल्टा प्लस है ये एक तरह का वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं कि जब कोई वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि इंट्रैक्टिविटी ज़्यादा हो और उसके जो है विरुलेंस ज़्यादा हो जिससे कि वो सीवियर डिजीज़ करता हो, या वैक्सीन एक्सकेप हो यानी कि वैक्सीन की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है उसमें। तो डेल्टा प्लस जो है, अभी तो ये वायरस आया ही आया है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, जबकि जो डेल्टा वायरस था वो उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलती थी। अगर डेल्टा प्लस के जो 2 केस आए हैं, ये मई सैंपल जो है मई के पहले हफ्ते में लिया गया था और अभी रिपोर्ट आई है, तो उससे देखने से तो लगता है कि पूरा मई निकल गया, जून निकल गया है, जुलाई भी जो है आज 9 तारीख है, तो लगभग। कानपुर में अवैध ढंग से पनप रहे सूदखोरी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस ली है। बता दें कि कानपुर के KDA, नगर निगम, गन फैक्ट्री ऐसे कई सरकारी संस्थान हैं जिसमें छोटे कर्मचारी को सूदखोर अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। ऐसे सरकारी संस्थानों में पुलिस सूदखोरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ ने बताया कि कानपुर में अवैध सूदखोरी के बढ़ते व्यापार पर लगाम लगाने के लिए तैयारी कर ली गई है। कानपुर नगर पुलिस को ऐसी शिकायतें मिली कि शहर में ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कि सूदखोरी के नाम पे तंग किया जा रहा है और उनसे बहुत ही ऊंचे दर पर पैसा दिया जा रहा है और पैसा उनसे छीना जा रहा है और इसमें मारपीट, अपराध, गुंडागर्दी सब कुछ शामिल हो रही है। इस चीज़ को हल करने के लिए, जड़ से हल करने के लिए एक अभियान हम लोग मीडिया के सहयोग से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सब लोग को आमंत्रित कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई सूदखोरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तंग कर रहा है किसी गरीब को, वो पुलिस को बताएं, थाने पे आकर के बताएं या मात्र 112 डायल कर दें, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। अब जिसने भी सूदखोरी, आगरा में जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेत्री और कैदी की पत्नी द्वारा जिला जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। बता देंगे कि 12 अप्रैल को एक कैदी बीमार था, जिसके बाद उसे 16 अप्रैल को वैक्सीन लगाई गई। कैदी ने 12 अप्रैल को ही चिट्ठी भेजकर अपनी बीमार होने की बात बताई। वहीं इलाज के दौरान कैदी रवि खंडेलवाल की कोरोना से मौत हो गई। जी, मेरे पति पिछले 8 साल से एक झूठे मुकदमे में आजीवन की सज़ा काट रहे थे और मेरी शिकायत ये है कि मेरे पति की जेल में साजिशन हत्या की गई है। उनको 12 तारीख को मेरे हस्बैंड का मुझे लेटर मिला था कि उनको फीवर आ रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, दवाई खाते हैं तो वो बुखार उतर जाता है, फिर आ जाता है। उसके बाद 16 तारीख को जब उन्हें बुखार आ रहा था तो कोविड की वैक्सीन क्यों लगाई गई, वो लेटर और वो सर्टिफिकेट जो उनको वैक्सीन लगी है, दोनों इन पेपर के साथ मैंने लगाए। मेरे जेल प्रशासन से सवाल ये है कि जब बुखार था तो उनको वैक्सीन क्यों लगाई, इसका जिम्मेदार कौन है। तब उसके बाद भी उन्हें बुखार आता रहा, कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जेल प्रशासन ने हमसे झूठ क्यों बोला। मेरी लास्ट 26 तारीख को सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल ठीक। वहीं सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी शिकायतों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन किया गया था, जिसमें नामांकन पत्रों में खामियां मिलने पर उनको रद्द किया गया था, जिसको लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, ये मामला खाली सहारनपुर का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का है। जिस प्रकार से BJP सरकार लगातार लोकतंत्र को ख़त्म करने पर लगी हुई है, या मैं ये कह दूं कई सालों से जो BJP के MPs के, BJP के कार्यकर्ताओं के जो स्टेटमेंट आते हैं कि जल्द संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस चुनाव में वही प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, सब सारे चुनाव जो हैं वो प्रशासन के साथ मिल करके लोकतंत्रपूर्ण नहीं हो रहे हैं, यही हमारा विरोध है। कल हमारे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव महोदय, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख का पर्चा नामांकन भरने गए थे, तब उन पर 100 से 150 BJP के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमारा सवाल यह है कि जब देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, तो इस प्रकार के हमले क्यों? अगर यही तानाशाही चल रही है, यही तानाशाही चलती है, तो मैं खुले शब्दों में बता दूँ,
कि भीम आर्मी पलटवार करती है और इस बार भीम आर्मी। वहीं सहारनपुर के रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं रेलवे हॉस्पिटल में मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, कहा गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला रेलवे हॉस्पिटल में दवाई लेने आई थी, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा उसको दवाई देने के बाद वार्ड में इंजेक्शन लगाया गया। वहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से महिला की मौत हो गई। माता जी की कल की तबीयत खराब हो रही थी, हाथ तो पैरों में दर्द बता रही थी, कह रही दवाई लेकर आनी। मैंने कहा चलो, यहाँ पे आए, इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उनके मुंह से झाग आए, हाथ पैर मुड़ कर उनकी डेथ होगी, और फिर कहने लगे यहाँ से रेफर कर दे। यही पे रेलवे हॉस्पिटल इलाज कुछ नहीं, वैसे ही तबीयत खराब हो जाती थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कोई पर्सनल वो बीमारी नहीं थी, कोई कि मतलब कोई बीमारी लगी हुई ऐसा कुछ नहीं था, कोई शुगर ना हार्ट की कोई दिक्कत नहीं थी। शारदा नगर डॉक्टर की लापरवाही से यही नहीं बता रहे कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या लगा, क्यों लगाया, कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया, इंजेक्शन लगा दिया बस। महिला का इलाज चल रहा था, सांस की मरीज थी और घुटने में दर्द रहता था इसलिए, और सांस फूलता रहता था अक्सर, ये आती रहती थी, तो इस बार ये आई, हमने एक महीने की दवाई इसको प्रिस्क्राइब कर दी, इंजेक्शन डेरीफालिंडाकोडोन प्रिस्क्राइब कर दिया। यहाँ वार्ड में आई तो वार्ड में इंजेक्शन लगवाया तो कोलैप्स कर गई यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आकर के देखा तो ये इसका पल्स काफ़ी कम थी, बीपी का फॉल हो रखा था। लखनऊ के लोकबंधु चिकित्सालय में सभी चिकित्सीय सेवाएं ठप हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनमाने तरीके से स्थानांतरण के विरोध में लोकबंधु चिकित्सालय में डॉक्टर समेत समस्त स्टाफ ने 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। वहीं कार्य बहिष्कार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। चिकित्सालय में ओपीडी समेत समस्त विंग में अचानक हुए कार्य बहिष्कार से भर्ती मरीजों समेत ओपीडी में आए मरीजों को इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में गोली चल गई। जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी। गोली चाचा के पेट में लगी, जिसके बाद चाचा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद भतीजा मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम सभा चाचिकपुर से 2 मरीज, संभवतः उनको गोली लगी हुई है, उनके परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया है, वो जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। उनका प्राथमिक उपचार करके और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया है, ताकि पता चल सके उनके शरीर में अभी गोली मौजूद है या नहीं है। अगर गोली मौजूद है तो उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा सर्जन द्वारा, अगर नहीं निकल पाती है तो हो सकता है उन्हें हायर सेंटर के लिए रिफ़र भी किया जाए। मरीज की स्थिति अभी ठीक है, ऐसे खतरे के बाहर है। हमारे बड़े पापा को गोली लगी है, गोली मारने वाले बिपिन सिंह हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बिपिन सिंह जानकर गोली मारे हैं और हमारे बड़े भाई थे। कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेथानी के अथक प्रयासों से एक बार फिर विधानसभा में आम जनमानस को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। विधायक सुरेंद्र मेथानी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि दादानगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर समानांतर पुल को उत्तर प्रदेश सदन में याचिका लगाकर और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर पुल को आम जनमानस के हित में स्वीकृत कराने का कार्य किया गया है। खुशी है कि हमारे गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना लगातार जूझते हुए काम करने का मेरा स्वभाव, और पिछले 4-4, 5-5 वर्षों से जो लंबित पुल थे, ऐसे मैंने 2 अरमापुर पुल और नौरैया खेड़ा के पुल को आज बिल्कुल निर्माण पूरा करा लिया, जनता को समर्पित करने की ओर 5-15 दिन में अग्रसर हो रहा हूँ। उसके अलावा 2 पुल मैंने पनकी में पावर प्रोजेक्ट से पास करा करके उस पर निर्माण प्रारंभ हो गया है। और मुझे जो सर्वाधिक खुशी है कि गोविंद नगर का एक पुल जो दादानगर में पुल है, एक तरफ पुल बना हुआ है, दूसरी तरफ रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण से लाखों लोग ईंधन का भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, ड्यूटी में लोग लाखों लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र में ड्यूटी में जाने में उनको विलंब होता है, उनकी ड्यूटी आवर कटते हैं, उनको नुकसान होता है, एम्बुलेंसें फंसती हैं, बच्चे। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। औरैया के फफून थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक वीडियो फफून थाना क्षेत्र के जुआ गाँव के मामले को लेकर के प्रकाश में आया था, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जाँच पड़ताल की, तो मामला इस प्रकार पाया गया
कि एक कोई दिनेश नाम का व्यक्ति था जो बैग लेने के लिए एक कमल निगम नाम के व्यक्ति के दुकान पर गया था और वही कुछ पैसे के लेनदेन को ख़रीदारी में पैसे के लेनदेन को लेकर के कुछ तूतू में इन दोनों में हो गई। तभी दुकानदार ने जो है वो इस ग्राहक को के साथ मारपीट कर दी जिसका वीडियो वायरल हो गया था और पुलिस ने उसको संज्ञान लेकर के इसका FIR पंजीकृत की है और आरोपी को जो है वो गोरखपुर के SSP का फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SP दिनेश प्रभु ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 घंटे में 2 ट्वीट करके फेसबुक और फर्जी व्हाट्सएप ID होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि व्हाट्सएप की फर्जी ID के जरिए पैसे की मांग की जा रही है, ये साइबर अपराधी हैं, इन लोगों से सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। करना चाहता हूँ ये आपने मेरा पर्सनल फेसबुक ID और व्हाट्सएप ये ट्विटर ID हैक नहीं हुआ है, बट एक फर्जी ID बनाया गया है कि मेरे नाम लगा के व्हाट्सएप में किसी और के नंबर पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा के मेरे दोस्त एवं परिचित लोगों से हम कष्ट में हैं, हम इमरजेंसी में हैं, ऐसे करके पैसे मांगने की कोशिश हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है गोरखपुर के चौरी चौरा में 2007 में डॉक्टर KK मिश्रा का अपहरण करने के साथ ही लूटपाट की गई था। इस घटना में बाके यादव गैंग का नाम सामने आया था और घटना में शामिल 14 अभियुक्तों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी 2 अभियुक्तों पर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस घोषित किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक और 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना चौरी चौरा में 2007 में एक डॉक्टर KK मिश्रा के अपहरण हुआ था। अपहरण के साथ लूट भी हुआ था, उनके साथ जो कैश भी था वो सब चला गया था, जिसमें बांके यादव नाम के मऊ के रहने वाले अपराधी जनपद मऊ के उसके गैंग के सदस्य इन्वॉल्व थे। 2007 में केस वर्कआउट हुआ था, 14 लोग लाइट में आए थे, इसमें सभी गिरफ्तारी हो चुकी थी, सिवाय 2 लोग बच गए थे उसमें, जिसमें आज उनमें से एक अपराधी को खराबार पुलिस और हमारे स्वाट सर्वलांस टीम ने। संभल के थाना असमोली क्षेत्र में एक विकलांग संत की हत्या कर दी गई। लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस हादसे से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने साधु की हत्या करके लोहे की रॉड को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम गुमसानी में गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर स्थित है। आज ये सुबह ये जानकारी मिली कि यहां पर रहने वाले महंत श्री भरत गिरी जी का किसी व्यक्ति के द्वारा उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर सारे साक्ष्य संकलन किए गए। इसमें डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया तथा 2 घंटे के अंदर गांव के लोगों से पूछताछ के द्वारा और साक्ष्य संकलन के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू वाल्मीकि है इसको गिरफ्तार किया गया है। मोनू वाल्मीकि के द्वारा यह बताया गया कि जो महन जी थे इनसे 2 दिन पहले इसका किसी बात पर झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और महन जी के वहीं मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दहेज की खातिर विवाहिता को बंधक बनाकर 3 दिन तक 3rd degree का टॉर्चर दिया गया। बता दें कि इसकी वजह से महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं। इसी को लेकर महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी शादी 14/11/2010 को भोगांव मोहल्ला फाजिलगंज में मोहम्मद गुड्डू के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। जब से दहेज की मांग को लेकर बहुत प्रताड़ित किया गया, कई बार घर से निकाला गया, उसके बाद में न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया तो वहाँ पे रिश्तेदारों के बीच में मुझे भेज दिया गया वहाँ पर ससुराल में हस्बैंड के साथ। उसके बाद में भी दहेज की मांग को लेकर वही पुनः स्थितियाँ, सब मारपीट, लाठी डंडों लात भूसों से चलता रहा। उसके बाद में बहुत मारपीट की, मुझे जरा जरा पानी पिला के हाथ बांध के फंदे पे लटकाने की कोशिश की फांसी पर। और हमारे यहाँ वो दो एक देवर और परिवार के ही मानते हैं, कमाल, मोहम्मद कमाल।
बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।